Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Digital Diaries by Chanvi and welcome back to another vlog. It is a kind of shopping vlog, you can say. ये हम जा रहे थे सिटी मॉल जो SRS, it is there in गोमती नगर, हमारे घर के just nearby ही है. तो हम shopping करने जा रहे थे, सुजैन के लिए ही करनी थी. तो वैसे तो मैं ऑनलाइन करती हूँ एज़ यू ऑल नो, बस मैंने सोचा कि चलो SRS में चलते हैं. SRS यहाँ पर पूरा एक मॉल है, सिटी मॉल, उसको SRS भी कह सकते हैं. हम एंटर हो गए थे SRS मॉल में, सिटी मॉल में. तो मुझे लेना था सुजैन के लिए ड्रेसेस, बिकॉज हम को एक फंक्शन में भी जाना है और कुछ विंटर वेयर भी लेना था. विंटर वेयर बहुत है इसके पास, बट स्टिल बच्चों के लिए न्यू लेते रहो तो ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको दिखाया था, इस लास्ट व्लॉग में नहीं, जब हम लोग ईद की शॉपिंग करने गए थे सुजैन के लिए, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ से की थी. एंड फर्स्ट क्राई सड़िया वाला फर्स्ट क्राई वहाँ से किया था. तो वो है चैनल पे ही, अगर आप लोग ने नहीं देखा हो वो व्लॉग तो आप वो देख सकते हैं. तो ये अभी यहाँ पर कुछ क्लोथ्स पे सेल भी चल रही थी 50% ऑफ की, और कुछ पे नहीं चल रही थी क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं. तो जब ऑफ सीज़न होगा तो सेल विल बी देयर, अभी बहुत ज़्यादा नहीं थी. बट स्टिल मुझे ट्रेंड्स में अच्छा कलेक्शन दिखता है, तो मैं यूजुअली आज मैंने ट्रेंड भी चेकआउट किया और जिनी एंड जॉनी फ्रीडम वेयर किड्स वेयर ये मैंने देखे थे. NUS पोलो देखा था. SRS में बेसिकली जितने भी किड्स वेयर के शोरूम थे वो सारे मैंने चेकआउट किए थे आज. तो मैंने जो जो लिया है सुजैन के लिए वो सारी थिंग्स मैं आपको दिखाऊंगी, बताती रहूँगी साथ साथ में. एंड अगर उसका फुल व्लॉग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसका हॉल दे दूँगी एक पूरा, मैंने क्या क्या बाय किया था सुजैन के लिए. तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इन टू द वीडियो. हम लोग ने क्या क्या परचेज़ किया एंड क्या क्या कलेक्शन यहाँ पे अच्छे थे आप लोग देखिएगा. ये सारा तो समर कलेक्शन बीच बीच में था, जो समर का कलेक्शन नहीं कह सकते, ये थोड़ा थिक फैब्रिक था, थिन फैब्रिक नहीं था. आप जैसे वुलन आप जैकेट वुलन कपड़े पहनाते हैं उसके अंदर भी आप ऐसे पजामास डाल सकते थे, तो वो लेने के लिए बेटर था यहाँ पे. ये रेड टॉप टाइप का था तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा था. जैकेट वगैरह थी, जैकेट्स भी बहुत अच्छी थी, पर मुझे जैकेट का कलेक्शन बहुत अच्छा नहीं लगा पूरे मॉल में. यहाँ पर सेम वैरायटी के जैकेट्स थी, सेम वैरायटी के क्लोथ्स थे, तो बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं थे ड्रेसेस. कोई भी मुझे बहुत अप टू द मार्क नहीं लगी कि बहुत ही अच्छा या बहुत ही मतलब लाइक एक बार ही देखते हैं ना तो लगता है नहीं, यू हैव टू बाय एंड आई हैव टू बाय दिस थिंग. वो इस टाइप का मुझे कोई भी ड्रेस नहीं लगा सुजैन के लिए यहाँ पर. पर मैंने जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको बता दूँगी. और ये स्कार्फ़ का सेक्शन था, तो मैं हिजाब लेती हूँ और यूजुअली तो मैं वही से चेक कर रही थी कि हिजाब कैसे हैं. कलर्स एंड वैरायटी बहुत थी यहाँ पे. हिजाब वाज अराउंड, ये वाला हिजाब बिग साइज़ का था, तो ये अराउंड 600 के थे, 699 ये हिजाब सारा, मतलब जितने भी थे वो सारे ईच आप एक लेंगे तो 699 का था ये हिजाब. मैं आपको अभी साइज़ दिखाऊंगी इसका, ये है इसका फुल साइज़. साइज़ अच्छा था हिजाब के लिए. एंड सुजैन वॉज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग हिजाब्स, यू नो आई एम, प्लीज़ एक्सक्यूज मी गाइज, मेरी वॉइस बहुत ही, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, कुछ दिनों से मैं कोल्ड, मुझे कोल्ड हो रखा है. एंड मुझे फीवर भी था पहले, तो अभी ना आई एम बेटर अभी, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही थी, पर वॉइस में है अभी. वो रह जाता है ना जब कोल्ड होता है उसके बाद में, अभी जब आप बात करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मुझे कोल्ड था, या जो भी सुनता है उसे भी लगता है. तो सो हाँ यस, अभी आगे मूव करते हैं. तो अभी क्या कर रही थी सुजैन, बैग लेकर उसके साथ ही खेल रही थी, प्ले कर रही थी पूरा.
वो सोच रही थी कि मम्मा परचेज कर रही है थिंग्स तो मैं भी कर लूँ। सो हम लोगों ने ट्रेंड्स चेकआउट कर लिया था और फिर हम आ गए थे जिनी एंड जॉनी। इस दिन बहुत अच्छा, मतलब टाइम पे हम लोग गए हुए थे। बहुत ही रश नहीं था क्योंकि आजकल एज यू ऑल नो कि कोविड इज़ गोइंग ऑन, अभी कोविड गया नहीं है, तो बच्चे को लेके बहुत ही पब्लिक प्लेस पे आप ना जाए। तो इस मॉल में इतना मतलब ठीक था कि गैदरिंग कम थी। गैदरिंग वाली जगह पर मुझे बच्चे को ले जाना थोड़ा सा रिस्की लगता है, तो इसलिए मैं बहुत ही कम जाती हूँ बेबी को लेकर अभी नाव डेज, क्योंकि बीच में तो कोविड का थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, पर अभी स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, अभी फिर से भी स्टार्ट और होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। और जिनी एंड जॉनी में मुझे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं लगी विंटर वेयर की, समर कलेक्शन था वहाँ पे, तो फिर मैंने US पोलो ट्राई किया, गई थी मैंने चेकआउट किया था US पोलो, और यहाँ पे भी विंटर वेयर बहुत कम था और समर कलेक्शन था, समर कलेक्शन नहीं बस हाँ थोड़ा सा थिक फैब्रिक था उसमें, मीडियम उसमें विंटर में पहना सकते हैं। ये जैकेट मैंने बाय की थी, मुझे सुजैन के लिए ठीक लग रही थी ये जैकेट। इट वाज अराउंड, मुझे प्राइस नहीं पता है, मैं प्राइस अगर मुझे याद होगा तो मैं मेंशन कर दूंगी उस पर देख कर कि कितने का था जैकेट। सुजैन मस्त अपनी बुआ के साथ में चल रही थी अभी, क्योंकि ये चलने लगी है ना, तो शी इज़ लाइक कि उसको मैं छोड़ दूँ खुद से ही चले। जैकेट्स ये देखिए हर फ्लोर पे एक जैसी क्यों लग रही है फ्लोर पे। फिर हम लोगों ने जिनी एंड जॉनी, US पोलो और दोनों ट्राई करने के बाद में हम लोग आए थे स्पेंसर। स्पेंसर में हमें कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी और फिर हम लोगों ने स्पेंसर में उसमें सुजैन के लिए ड्रेसेस भी देखी कि कुछ ले लें। फ्लिप फ्लॉप्स भी देखे थे यहाँ पे, फुटवेयर तो शूज़ वगैरह नहीं थे बस हाँ फ्लिप फ्लॉप्स थे और क्रॉक्स वगैरह थे बच्चों के, तो वो हम लोगों ने देखा था। ये ड्रेस था, आप इसको अंदर पहना सकते हैं, इस बहुत ज़्यादा विंटर के लिए इट इज़ नॉट सूटेबल। आप ये बहुत ही थिन फैब्रिक था, पतला फैब्रिक इस मौसम के लिए भी नहीं ठीक है, अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, लखनऊ में बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ गया है और दिसंबर के टाइम पे बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये शॉर्ट्स वगैरह थी बच्चों की जो कि अराउंड 175, मैं कैमरा में देख के बता रही हूँ कि 175 का ही था, मैंने ये बाय नहीं किया था बिकॉज अभी नीड नहीं है। ये देखिए जूम करके मैंने बता दिया कि ये जैकेट वगैरह पे डिस्काउंट चल रहा था यहाँ पर, वो लेडीज़ जैकेट्स पे था और उस पर बच्चों पे नहीं था। और मैं यहाँ पे लेडीज सेक्शन भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, मुझे अपने लिए भी लोअर वगैरह लेना था, तो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं तो मैंने नहीं बाय किया था, मैंने सिर्फ सुजैन के लिए ही परचेज़ किया था यहाँ से चीज़ें, और फिर ग्रॉसरी शॉपिंग की थी थोड़ी सी स्पेंसर से ही, और फिर हम लोग घर आ गए थे। ये क्रॉक्स वगैरह थे, तो अभी क्रॉक्स इसके पास सुजैन के पास हैं भी एंड मुझे अभी शूज़ ज़्यादा सूटेबल लग रहे हैं सुजैन के लिए, इसलिए मैं क्रॉक्स नहीं बाय कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये ग्लिटर वाला परचेज़ किया था सुजैन के लिए, इट वाज अराउंड 700, ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैं इसको पार्टी वेयर भी पहना सकती हूँ इसको, फिर मैं ऐसे भी इसको डेली वेयर भी पहना सकती हूँ, इसलिए मैंने ये बाय कर लिया था। इसका फैब्रिक भी थिन फैब्रिक होता है पर ये जो इसका वुलन होता है ना, वुलन फैब्रिक ये गर्म करता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है कि बच्चा थोड़ा सा बच्चे भी परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पहनाने से, इसलिए मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और फिर हम लोगों ने डेट्स भी परचेज़ बाय किए थे इसके, सुजैन को भी मैं डेट्स भी खिलाती हूँ और मैं भी खुद भी खाती हूँ डेट्स, तो हम लोग डेट्स ज़रूर रखते हैं घर पे। और ये हम लोगों ने फिर हम लोग की शॉपिंग पूरी हो गई थी,
तो सुजैन ने भी बहुत मस्ती की इस दिन, और इतना ये स्टोर में परेशान कर रही थी हम लोगों को, सारी चीज़ें उठा के इधर से उधर इधर से उधर शॉपिंग के दौरान इसने एकदम वहाँ पे आतंक मचा रखा था स्पेंसर में। फिर हम लोग जल्दी से लेकर आए, स्पेंसर में फूड कोर्ट बंद हो रखा था बिकॉज अभी कोरोना इज़ गोइंग ऑन, इसलिए हम लोगों ने बाहर से ही खाना पड़ा बाहर से ही, मंचूरियन एंड फ्रेंच फ्राइज। सो सुजैन के डैडी आ गए थे पिक करने के लिए। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।